नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे खटीक आखेटक से खटीक बन गए। खटीक को आखेटक के रूप में पहचान कैसे मिली? खटीक जाति भेड़ बकरियों को पालने से पहले जंगली जानवरों का शिकार किया करती थी। राजा महाराजाओं को शिकार करना पसंद होता था, इसलिए खटीकों यानी आखेटकों को शिकार करने में मदद करने के लिए अपने साथ ले जाते थे। खटीक तलवार के एक ही वार से पशु का सिर धड़ से अलग कर देते थे, जिससे उनका नाम खट से खटीक और फिर खटीक पड़ गया। खटीक पशु को मारने और पाप से बचने के लिए काली की पूजा करते और काली पर पशु बलि चढ़ाते, जो आज भी कायम है। खटीक समाज के श्री उदय सिंह टुंडेले जी ने अपनी पुस्तक में साफ साफ शब्दों में खटीक को आखेटक यानी शिकारी बताया है। हम खटीक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि प्राचीन काल में वनों में रहने वाले हमारे पूर्वजों ने आखेट का व्यवसाय अपनाया था। उस समय आवश्यकता से अधिक मांस इकट्ठा कर लिया जाता था, लेकिन भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होती थी तथा मुद्रा का भी चलन नहीं था, इसलिए मांस और फलों को अन्य वस्तु खरीदने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। फिर जैसे जैसे वन खत्म होने लगे, गांवों का निर्माण होने लगा, तो आखेटकों ने समय के अनुसार अपने व्यवसाय में परिवर्तन तो किया, लेकिन अब वे आखेट करने के बजाय पशुओं भेड़ बकरियों को पालने लगे और उनके मांस वे फल आदि को बेचने लगे। संस्कृत भाषा में भी खट्टिक शब्द का मौजूद है, जिसका अर्थ होता है शिकारी। अब संस्कृत तो प्राचीन भाषा है, यह कोई बाद में तो बनाई नहीं गई, इसलिए खट्टिक शब्द का अर्थ शिकारी है, यह स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है। आखेटक से खेटक और फिर खेटक से खट्टिक बने। फिर क्षेत्रीय भाषा के अंतर के कारण कहीं खटीक तो कहीं खट्टिक पुकारा जाने लगा। जो खटीक लोग शुद्ध रूप से फलों का ही व्यापार करते थे, उन्हें मुगल काल में मेवा फरोश के नाम से जाना गया, क्योंकि फलों को मेवा की श्रेणी प्राप्त है और उर्दू फारसी में व्यापार करने वालों को फरोश कहते हैं। आज पूरे भारत में फैली यह जाति मेवा फरोश के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन खटीक जाति के अंतर्गत ही आती है। श्री रामदास सोनकर पूर्व IAS ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि खटीक कौन है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर है, खटीक मांस और फल सब्जी बेचने वाली जाति है जो पूरे भारत में पाई जाती है और सर्वत्र खटीक या खटीक नाम से जानी जाती है। कुछ राज्यों में यह अनुसूचित जाति है तो कुछ राज्यों में यह पिछड़ी जातियों में आती है, जैसे कि OBC। उन्होंने इस विषय पर अन्य 10 लेखकों के मत भी प्रकाशित किए हैं। आइए अब जानते हैं खटीक दलित हैं या क्षत्रिय। खटीकों के क्षत्रिय होने के कोई ठोस प्रमाण न मिल पाने के कारण इस बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। खटीकों ने कभी भी निम्न जातियों के समान कार्य नहीं किए हैं, जैसे कि मैला उठाना, मरे हुए जानवरों को उठाना, जिससे उनकी तुलना निम्न जातियों से नहीं की जानी चाहिए। हालांकि खटीक जाति को बकरे काटने और मीट बेचने जैसे कार्यों के कारण हीन भावना से देखा जाता रहा है। कहीं कहीं तो उन्हें कसाई शब्द से संबोधित किया जाता है, और यही कारण है कि खटीक जाति के साथ छुआछात किए जाने के कारण इनकी स्थिति निम्न हो गई और बाद में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। कुछ विद्वानों द्वारा सूर्यवंशी खटीक समाज के 360 प्रमुख गोत्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें चंदेल, पंवार, चौहान, बड़ गुजर, राजौरा, बुंदेला आदि ऐसे गोत्र हैं जो राजपूतों में भी पाए जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि खटीक समाज भी राजपूत, इसके कोई सबूत नहीं मिला।